नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह एंड्रॉयड लर्निंग पॉडकास्ट में खुशामदीद। इस पॉडकास्ट में हम ये सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर किसी भी इंडिविजुअल नंबर पर हम अपनी मर्जी से मैसेज ट्यून को या कॉल ट्यून को किस तरह लगा सकते हैं ताकि हम अलग अलग नंबर पर अलग अलग रिंग ट्यून लगा सकें। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन करती हूँ और हम किसी नंबर पर रिंग ट्यून या मैसेज ट्यून लगाकर देखते हैं। ये आयशा के नाम से एक नंबर है, इस पर जहाँ पर उसने बोला है आयशा जे बटन, ये हर नाम के आगे आ रहा होता है। पहले नाम आ रहा होता है, उसके आगे बटन बोल रहा होता है उसके नाम के साथ। तो हम इस ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब सबसे पहले किसी का भी नाम आ रहा होता है उस पर डबल क्लिक करने से चैट ओपन हो जाती है, लेकिन उसके नाम के आगे बटन आ रहा होता है उस पर क्लिक करने से उसकी प्रोफाइल पिक्चर शो होती है या उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड और ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो इस पर डबल टैप करती हूँ, यहाँ जहाँ बटन बोल रहा है इस ऑप्शन पर डबल टैप करती हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल फोटो आया, ये कुछ ऑप्शन है इसके अंदर। लास्ट ऑप्शन जो हमने देखा इन्फो का, इस पर डबल टैप करती हूँ। ठीक है, हमने ये ऑप्शंस देखे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे थे। अब जिस ऑप्शन के जरिए हमें इस नंबर पर नोटिफिकेशन ट्यून या कॉल ट्यून लगानी है वो ऑप्शन है कस्टम नोटिफिकेशन का। दोबारा जाते हैं उस ऑप्शन पर, इस पर डबल टैप करती हूँ कस्टम नोटिफिकेशन पर। इस पर नॉट टिक लगा हुआ है, इस पर हमें टिक लगाना है। डबल टैप करती हूँ, अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है नोटिफिकेशन ट्यून, पर डबल टैप करती हूँ। ये दो ऑप्शन दे रहा है, चांप एसएमएस, मीडिया स्टोरेज, हमें मीडिया स्टोरेज से नोटिफिकेशन ट्यून लगानी है। डबल टैप करती हूँ। अभी यहाँ पर हमारे जो मोबाइल में बाय डिफॉल्ट मौजूद होती हैं वो नोटिफिकेशन ट्यून शो हो रही हैं। अब जिस नोटिफिकेशन ट्यून को भी मुझे सेट करना है उस पर डबल टैप करूँगी और ओके कर दूंगी। नोकिया डिस्टेंस के नाम से नोटिफिकेशन ट्यून यहाँ सेट हो गई है। जब भी अब इस नंबर से मेरे पास नोटिफिकेशन आएंगे तो यही नोटिफिकेशन ट्यून सुनाई देगी। अब इस पर हम चाहें तो वाइब्रेशन लगा सकते हैं और हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। लाइट हमें कैसी रखनी है, वाइट रखनी है, ब्लैक रखनी है। अब ये कॉल की रिंग ट्यून के लिए ऑप्शन है, इसे डबल टैप करती हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी रिंग ट्यून्स आ रही हैं, हमें जिसे सेट करना है उस पर डबल टैप करेंगे और ओके कर देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो मोबाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रिंगटून मौजूद हैं वो ना लगाएं और जो हमने डाउनलोड की हुई हैं वो लगाएं,
तो इसके लिए हम स्वाइप करते हैं, ऐड ड्रिंक ट्यून का ऑप्शन आ रहा है, अब ये हम अपने मोबाइल के स्टोरेज में जाएंगे, नोकिया 6.1 दुआए नूर, इस पर डबल टैप करती हूँ। और ओके कर देती हूँ। तो इस तरह हमने देखा कि हमने रिंग ट्यून और नोटिफिकेशन ट्यून को व्हाट्सएप पर एक इंडिविजुअल नंबर पर सेट कर लिया। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अब आपसे मुलाकात होगी फिर किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।